अरे भाई हमरा ऑफिस जाए की बेला हो गयल और तू यहाँ बैठ के कागज करिया करता रू। यही करिया अक्षर से एक ऐसा लेख बनी जो बिगड़ल औरतन की जिंदगी में एक लहर लेके आई। बिगड़ल औरतन, वाह का सरप्राइज बा, लगल रहा एकदम। हम चली बाय। काम ग्रंथ का राउर के ऐसन किताब पढ़े के शौक है? शौक नहीं, मजबूरी है। ओ सॉरी। एक दिन राउर ऑटोग्राफ मंगले रहले, लेकिन वो घड़ी किताब ये ना रहल। रउआ हमार कोरी किताब पे सियाही लगा के अच्छा ना कहीं नहीं। अभी तक सुतलू नहीं का? सारी रात पढ़ते रहू? नींद नहीं आवत। अच्छा, जब नींद आ जाए तो सुत जाइया। चांदनी, इतना बारिश में तू छत पे का कर रहा हूँ? हमके नींद नहीं के आवत। चला चला नीचे चला हमके चला। ये तू बरसिया में छत पे का कर रहा हूँ? नींद नहीं के आवत तो का करूँ? जिनकरा नींद ना वेला वो चुपचाप दवाई खा के सूत जला समझ लू। बारिश में है तरह से भिगले से बीमार पड़ जीबू। और तहार बाबूजी पूछें कि हमारी बेटी कैसे बीमार पड़ गई तो हम का जवाब दे? अगर हम मरहू जाए तब वो बाबूजी तोरा से कुछ न बोली है। ज्यादा बकबक मत करा, कपड़ा बदला और चुपचाप सुत जा।
राम राम दीनू भैया। राम राम मालिक नमस्ते। अरे का लेला दीनू काका? हम ही पहाड़ी वाले शंकर जी के मंदिर से प्रसाद लाजमानी और सुनी जी प्रसाद खाला ओकरे घर में लड़का पैदा हमार बहू खेले रहल ओके भी लड़का भइल रहल। हाँ मालिक। मलकिन आपो खाई आप भी तो लाइन बनी हम लागत तो हर बतिया सुन के शर्मा गई। हाँ मालिक हमरा के दे दे हम खिला देव। ठीक है मालिक। भगवान भोले बहुत जल्दी आपके लड़का दी हैं। तीनू काका कितना प्यार से तारा खातिर प्रसाद लेल बड़े अगर ये प्रसाद तू खा लेबू तो का बिगड़ जाई? हम ये प्रसाद ना खाई। अरे किस्मत वालन के प्रसाद मिलेला। हम बदकिस्मत ये प्रसाद खाई के का करब। ई प्रसाद राउर अपन बहू के दे दई। औरत के बच्चा तब तक पैदा ना करे के चाही जब ले ओकर पति अपन माई बाप के चंगुल से निकल के अपन गोड़े पे ना खड़ा हो जाए। बहिन जी जेकर पति अपन गोड़े पे खड़ा होवे ओकर पत्नी के हर साल बच्चा पैदा करे के चाही? नहीं, हर साल बच्चा पैदा करे से औरतन जिस्मानी तौर पे कमजोर हो जालीं। जेकर पति ऑफिस से आवते अपन कमरा के दरवाजा बंद कर लेत हवे उ भला बच्चा पैदा करे से कैसे बच सकेली? बच काहे न सकेली? कैसे बच सकेली? ई निरोध का इस्तेमाल करे से। के अपन हवस की आग बुझाने के खातिर ठंडे पानी का सहारा लेना चाहिए तो सारे फसाद की जड़ी किताब है। ये तो चांदनी के बोखाव जब उन्हें औरत का पति नामर्द होला ओकरा के अपन वासना की आग बुझावे के खातिर ठंडा पानी के सहारा लेवे के पड़ेला। ये किताब के कारण चांदनी ठंडे पानी के सहारा लेत रहेली। वासना की आग जब भड़केली था तन मन के जला वैले वो आग ठंडा करे के खातिर लैकन लैकन से प्रेम जतावत थी मगर कई औरतन ऐसा न होली जिनकर मर्द नपुंसक होले जे अपन संगनी के संतोष नहीं कर पावेले ऐसने हालत में औरतन के कहूं दूसर मर्द का सहारा लेवे के पड़ेला और संस्कार में बंधल औरत अपन मर्यादा के उल्लंघन नहीं कर पावेली। और उनके दूसर मर्द के देख ले उसे पाप होला वैसने औरतन के वासना की गर्मी ठंडा करे खातिर ठंडा पानी के सहारा ले वाई ली। चांदनी जी अपने की ई राउर किताब ई रहुआ के कहां मिलल? राउर हवेली के बाहरे पड़ल रहे। धन्यवाद। एक्सक्यूज मी कहीं किताब के 30 नंबर का पन्ना राउर के ठंडा पानी में नहाए पर मजबूर करत आ रहे। आ,
सारी जिंदगी तू पानी के सहारे ना ही रह सकेलू। यही पानी के लहरिया एक दिन ऐसा तूफान लेके आई और ये तूफान तहरा के अपनी बहिया में समेट ले और फिर चांद अकेलवाई निकली अपनी चांदनी के ढूंढने के खातिर, समझ ली। मगर तोहार घरे के ऊपर चांदनी चांदनी नहीं, अंधियारा ही अंधियारा रही। और वैसे ही चांदनी का संबंध तब से है जब से चांद बनल है। लगाता भगवान यही खातिर चांदनी के चांद के पास भेज दी हले। मगर ये समाज के रीति रिवाज चांदनी के चांद से मिले ना दे। चांदनी, चांद अपना चांदनी के पावे बदे केहू से भी लड़ सकेला। चोट तना लग गई? नहीं नहीं। दिनो काका, दवा ले आओ। जी मालिक। कितना खून बहत बा? नहीं मालिक। तू तनी बाहर जा। जी। जा। तनी टंगिया सीधा करा। अरे दया। देखा तो कितना खून निकल गई? दोबारा ऐसा जिन न चाहिए कि गोड़ फिसल जाए, समझ लू। एक बारी तो गोड़ फिसलवे करी तो फिसल गई। ए सूरज, तू देखिया एक दिन चांदनी एक घर में तोर भौजी बन के आईबे करी। अरे चांद, हम तोरा के कितनी बार समझोले बानी कि सारा चक्कर छोड़ दे। काहे छोड़ दे बोला?
ये खातिर कि केहू लड़की के छड़बत ओकर माई बाप पिटाई करे कावेले, लेकिन केहू के पत्नी के लाइन मरबत माई बाप तो छोड़ ओकर पति के संगे संगे सारा गांव समाज आई पिटाई करे के खातिर। हमरा के तो लागत बा चांद तोरे साथे साथे हमरो हड्डी के चूरमा हो जाए। ए सूरज एक बात बताए, हम तोरा से दोस्ती यही खातिर कही नी कि हमार हड्डी बचल रहे और तोहार हड्डी का चूरमा बन जाए। कैसन दोस्त हवे, एकर कुछ नहीं हो सकेला, पगला गेल बा ई गेल। हेलो, हाँ हाँ बोले तानी। थैंक यू वेरी मच, बस राउर के आशीर्वाद हो। हाँ ठीक बा, ओके बाय। कब आता हुआ था, बड़ा खुश लगा था। हाँ राकेश, आज हम बहुत खुश बानी, हम जो लेख लिख ले रहली ना, नारी घर के स्वर्ग कैसे बनाई, वो छप गए, बहुत प्रशंसा हो रहल बाटे, सारी मैगजीन वाले हमरा के ढूंढत आ रहे। सीमा, काश तो अपने लिखल लेख के उसूल पे खुद चले शुरू कर देती हूँ। तो आप लोगन हमार घर है कब्बू आ सकेली। ओके बाय, थैंक यू। अरे एक पैग और लाना। अरे नहीं नहीं बस, काहे कह अरे नहीं, हम और ज्यादा नेखी पी सकत नेखी पी सकत। आओ पिया। देखा आज हम बहुत दिनों के बाद चांदनी के चेहरा पर खुशी देख ले हैं। हम नेखी चाहत कि हम शराब पी के ओकरा कुछ उल्टा सीधा बोल दी और वो नाराज हो जाए। हम ओकरा जिंदगी भर खुश देखे के चाहत हैं। काली रतियों में, काली काली रतियों में एक चंदा निकलेला। काली काली रतियों में एक चंदा निकलेला। वो कौन है, वो बोल बोल कौन है। मोरा चंदा है, वो तोहरा चंदा है, तुम्हारी चांदनी। चैन मिलल जिक्रे प्यार से हमरे तन मन के चैन मिलल। वो कौन है, वो सूरत कौन है। काली काली रतियों में एक चंदा निकलेला। जिगरे खुशबू से सब फूल
हवा महकेला जकरे खुशबू से सब फुलवा महकेला कौन बावा बोला बोला कौन बावा मुतोरा चंदा है तुमोरी चांदनी मुतोरा चंदा है तुमोरी चांदनी में एक चंदा निकलेला इतना बड़ धोखा देवे से पहले कम से कम खानदान के मान मर्यादा के ख्याल तो कैले रहतु तू सोचले होतो कि जौन खानदान के तो बहू हो वो खानदान के एको बहू कभी चार दीवारी के बाहर कदमों नहीं खे रखले यहां देखा ई फोटो के देखा तू देखा इनका ई राजकोट के राजा के बेटी राजवंती है जौन हमार दादी रही इनका देखा ई श्यामगढ़ के राजा के बेटी सुषमावती है जे हमार प्रिय माई रही और ई बीजूपुर के जागीरदार की बेटी इंदुमती ई हमार पत्नी रही जे हमके इस संसार में अकेले तड़पे खाती छोड़ के चल गई यही राजकुमारियन के साथ एक दिन तोहरो तस्वीर लागी और जब ये खानदान के इतिहास लिखल जाए तब तोहार नाव के साथ एक और बात लिखल जाए कि खानदान की ऐसन बहू है जे परसों से बनल पुरखन के इज्जत के मिट्टी में मिला देलस पुरखा की इज्जत के माटी में मिलावे के जिम्मेदार हम नहीं खे राउर बानी काहे की राउर 60 साल की उम्र में एक मासूम लड़की से शादी कई ले ली हम तो तोरा से शादी करके तोरा पे दया कई नहीं हा एक गरीब लाचार लड़की से 18 बरस की उम्र में एक 60 साल के बुढ़वा का शादी करना का यह दया हो एक कली के फूल बने से पहले ओके डाली से तोड़ी के ओकरा के मसल दिहला का यह दया हो तू का कही बा एक मछली के जमीन पे तड़पत छोड़ देहला यह दया हो हे दयावान अगर यही तोहर दया बा तो हम पे जुलम करा तनी हम देखी तो तोहर जुलम कैसन होला आज तक ले हम जिंदगी में केहू पे जुलम नहीं खे कई लिया लेकिन हमार खानदान के इज्जत बचावे के खातिर अगर मजबूर हो गई तो ई जुलम हम जरूर करा ऐसे पहले कि हम जुलम करे पर मजबूर हो जाए तू अपन नापाक इरादा बदल डाला नहीं तो हम ऐसा जुलम करब चक्रा बारे में तो नहीं खे सोच सकते हो आप आशा के तस्वीर भेज दई ठीक रही हाँ। सुनी हमार लड़की के तस्वीर दे दी ही लड़की के तस्वीर हाँ। रउआ के हाँ एक मिनट ई रहल आपके लड़की हाँ। की तस्वीर लेकिन एक बात बताई ई हाँ। तस्वीर कहे ले जात बानी एक खातिर कि कहीं रउआ हमार लड़की के बिया वो श्यामलाल जैसन के साथ ना जोड़ दी यही से ले जाते हैं लेकिन चांदनी के बाप के ऐसा नहीं लड़का चाहत रहा लीना नाथ जी कोनो बाप अपन बेटी के खातिर ऐसा बर ना ढूंढी हो ना हो के जरूर कोनो पढ़न पढ़ो ले होई सुनी सुनी हमार बात तो सुनी कमाल हो ई श्यामलाल कौन चक्कर चलौले जौन हमार धंधा बंद करत आरे कुछ करे के पड़ी मालिक बुरा ना मानता एको बात पूछी हाँ पूछो बाबूजी के बारे में जो उन बात करत हुए वो कहाँ तक सही बा ए बकवास बंद करा गेट आउट बाबूजी आखिर कब तक हमनी के लोगन के बातें सुने के पड़ी ई तो लोगन के आदत हवे राकेश वो तो ठीक है हो जब चांद और चांदनी एक दूसरे के प्रेम करत आ रहे एक दूसरे के चाहत आ रहे तो रउआ उनके काहे नहीं मिले देती आपन पत्नी के केहू दूसरे के हवाले कर दी ऐसा हमार खानदान में कबो ना भाई जब ले हमार जिस्म में सांस चल रहा बा हम अपन खानदान के मान मर्यादा टूटे ना दे मालिक बड़की मालकिन कमरा में नहीं खी कमरा में नहीं खे
चलो 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 घर चलो 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 ना होला चांदनी उठो चांदनी चांदनी चलो छोड़ो चल अंदर चल यह जगह तो हर आज के बाद तो जिंदगी में सूरज भी नसीब ना हुई और अगर हुई तो यह सलाखन के पीछे नसीब हुई। अगर तू अपने आप के ना बदल बे तो तोरा के जिंदगी गुजारे के पड़ी सलाखन के पीछे और कान खोल के सुन ले जिंदगी में आज तक हम हार नहीं खे मनली और ना ही कब मानब। Thank you.
चांदनी के बाबू, बड़ा उदास लगा तारा, कौने सोच में डूबल बड़ा तू? हमके लगा था चांदनी वहां खुश नहीं के। कहा तब फिर काले शहर जाकर ओकर पता काहे न कर लेता? का कर अब जाके, गरीब के बेटी हो, का दे पाई बोके? हमार प्यारी बहनन, हमके पता चलल हाओ कि एह जिला की कुछ औरतन अपना घर के नर्क बनावले बानी। एह खातिर सभे लोगन उनकर घरे जाए के नारी के जीवन के सुधारे की कोशिश करे के चाही। रोज नारियन के घर सुधारे के भाषण देत रहलू, अरे पहले आपन घर तो सुधारा। लोग ता थू थू करता रे तोहार ससुर के करतूतन पे। एमे दोषी एकर ससुर नहीं के एकर हम। हम लोगन का सास ससुर की सेवा का भाषण देत रहेली और खुद तो आपन ससुर के साथ कुत्तन जैसे बर्ताव करेली। अरे लोग तो कहता रे कि ससुर तोहरा से तंग आई के दूसर शादी की हिन। लाना थे तोहरा पे और तोहरा भाषण पे। लाना थे तोहरा ससुर पे जे एक मासूम लड़के के सलाखन के पीछे बंद करके रख लेबा। मालकिन, खाना खा ले। चला जाए यहाँ से। हमके रोटी नहीं जहर चाहिए, जिंदगी नहीं मौत चाहिए। तीनू काका, अगर रहुआ हमके सच्चे मन से चाहत बानी तो हमके इस जंगल से आजाद करा दा। हमके जहर लाके दे दा तीनू काका, हमके जहर लाके दे दा। मालकिन, जहर तो हम ढूंढत बानी। हमसे तोहार ई दशा नहीं देखल जात और ना ही मालिक ले खाना खा ले। नहीं, तू जा यहां से। बाबूजी, कौन सा सुख मिलत बा ई शादी कई के? रउआ पता बा, रउआ के शादी करे से आज पूरे समाज में कितना बेइज्जती हो रहल बा। ई बेइज्जती के तो खुदे जिम्मेदार बड़ू बहू। तू तो अपन घर भूल के लोगन के घर के सुधारे में लागल रहलू। अगर तू ई घर के अपन घर, अपन पति के अपना पति और अपन ससुर के अपना बाप समझतू तो हम दूसर शादी करे के बारे में कबो सोच भी ना सकती। होश में बात करी बाबूजी, खुद तो पाप कैला और हमरा के दोषी ठहरावत बाड़ा। तोहरा के दोषी कहला दोस्त के भी गाली देला जैसन बा। अरे जब से तू ये घर में कदम रखले हो, इस स्वर्ग जैसन घर के नर्क से भी बदतर बना देले हो। रवा हमरा के गाली देली? सीमा, तू बाबूजी पे हाथ उठाई लो। अरे इतना हिम्मत बढ़ गई? बाबूजी, हमके माफ कर दे। बाबूजी, हमके माफ कर दे। उठा बाबूजी, ये बात का हमके एहसास हो गई, ये स्वर्ग जैसन घर हमार कारण नरक बन गई। राकेश माँ, अगर एकर पहली गलती पे ही कोड़ा बरसावले होता ना, ताज ही मुसीबत के सामना करे के ना पड़त। एकरा के क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कमिश्नर साहब, श्यामलाल के बुरी हरकत से हमार बहु बेटियन पर बुरा असर पड़ा। श्यामलाल से कहीं कि अपन हरकत बदल दें, ना ही तो अपन पत्नी का लेके कौनो जंगल में चल जाएं। रहुआ घबराए जीन, हम श्यामलाल के समझाए, ये बात हम पर छोड़ दें। अच्छा, सब ठीक हो जाए। ओके, अच्छा, जा सकले। हाँ, एक काम करा, चांदनी के बाबूजी को बुला ला, उनके कह दा कि अपन बेटी के मायके लेके जाएं। नहीं दीनानाथ, हमरे खानदान में बहू के मायके भेजे के परंपरा नहीं है। जैसन मर्जी। रहुआ उदास का है मानी? अरे हम उदास नहीं खे, वो हम श्याम के बारे में सोचत रही, लोगन बार बार शिकायत लेके आवत हुए हैं। रहुआ चिंता जिन करी, हम ओकर पत्नी के समझा दे। चांदनी। चांद, तू यहाँ? हाँ चांदनी, हम तोहरा से माफी मांगे आयल बानी। माफी? कौन बात के? हमरे कारण तोहरा के बहुत कष्ट का सामना करे के पड़ल। हम जानत हैं कि एक बिहाता औरत की तरफ आंख उठा के देख लो बहुत बड़ा पाप होला, और यह हमरा से भइल हव।
हमके माफ कर द चांदनी, हमके माफ कर द। चांद नहीं, चांद नहीं। चांदनी, चांदनी, हम हिंदुस्तानी नारियन के बॉयफ्रेंड बनावल शोभा नहीं देत। तो हम का करी, तोहर दिहर काम ग्रंथ से हम जिंदगी के जिए की कोशिश कहीं। तू अपने ही अग्नि के ठंडा करे बदे प्रेम ग्रंथ का पन्ना पढ़ ले लो, लेकिन एक ना मरद के मरद बनावे वाला ना ही पढ़ लू। तू एक आखिरी पन्ने के ना ही पढ़ लू, जैसे तोहार पति मिल जाए, पति का प्यार मिले। इंसान गलतियां का पुतला बा चांदनी। हम जाने ली कि तू समाज के नियम तोड़े ले हो, लेकिन ये समाज इतना कठोर तो नहीं है जो उन गलतियां के माफ न कर सके। हम जानत हैं कि तू एक पतिव्रता औरत हो, तोहरा के काम के आग समाज के रीति रिवाज तोड़े पे मजबूर कर ले बा। देखा चांदनी, सुबह का भूला अगर सांझे के घरे आई जाए तो ओकरा के भूला न कहल जाला। लेकिन चांद और हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करेले, हम ओकर प्यार के कैसे भूल जाए। ये प्यार व्यार लैला मजनू के कहानी आज के दुनिया में दोहराए नहीं खिजात। हम हिंदुस्तानी नारियन की भलाई यही में बा, जैसा पति मिले ओके आपन परमेश्वर समझ के ओकर सेवा में आपन जिंदगी गुजार देवे के चाही। हम तो हर दुख समझता नहीं। बाकी चांदनी, ब्याहता नारियन के आपन समाज बॉयफ्रेंड बनावे की इजाजत नहीं खे देत। यही में जिंदगी गुजारे से नारी के स्वर्ग प्राप्त होला। हमली माना चांद के अपना मन से निकाले में ही भलाई बा, और आपन पति का प्यार बसाला। ई समाज इतना कठोर तो नहीं खे कि तोहरा के माफ ना कर सके, भूल जा। लेकिन हम चांद के का जवाब दे। चांद से का भइल, प्यार तो तोहर मजबूरी रहल, और मजबूरी में कियल गइल प्यार के कोनो सच्चा प्यार का नाम ना दिहल जाला। पगली, सपना में बनौला महल एगो फूल के पत्ती हिलला के आवाज ही से टूट जाले। औरत का प्यार खाली होकर पति का प्यार होला। हम भी तोहरे जैसन मजबूर रहली, मगर ई काम ग्रंथ हमार पति के जीवन दहले। हमार बात माना, तू अपन पति और अपन घर गृहस्थी के और ध्यान दे, यह मा भलाई बा। चांद के भूल जा चांदनी, ओके प्यार के भूल जा। बहिन, तू एक भटकल नारी के कर्तव्य की रोशनी दिहले हो। हम तोहार ये एहसान जिनकी भन ना भूलब। सुनी, हमरा के माफ कर दी। आज के बाद रउआ के कबो शिकायत का मौका ना मिली, ऐसन गलती कबो ना हुई। हमके माफ कर दी, हमके माफ कर दी। सुना चांदनी, सुबह के भूला लगा सांझी के लौट आवेला तो ओकरा के भूला ना कहल जाला। आवा। शराब सेक्स के कमजोर बना देली। ई कामग्रंथ के नुस्खा का प्रयोग करे से पहले औरत के चाहे कि वो अपन पति के शराब से मुक्ति दिलावे। आज हम रउआ के शराब ना पिए देव। काहे? काहे कि कामग्रंथ में लिखल हवे, एक किलो दूध मा 10 छुवारे डाल के उबाल दिहल जाए, जब सूख के आधा किलो रह जाए तो रोज राती सूते की बेला अपन पति के खियावे। किलो दूध मा एक पाव सफेद मुसली पीस के डाले के, फिर अच्छी तरह से पकाए के ओकर खीर बनाई के दिन में 3 बार अपन पति के खिलाई।
ई नुस्खा के लगातार एक महीना हर दिन इस्तेमाल करे के हम सुबह दोपहर सांझ दिन में तीन बार केहू तरह से कोनो कमी नहीं के होके चाहिए। नुस्खा के लगातार एक महीना इस्तेमाल करे के बाद आपन देह पे हल्दी लगाई के दूध में नहाई के खुशबू लगाई के सुंदर बनी के आपन पति के सामने जाओ ताकि तोहरा के देखते ही तोहरा पे मोहित हो जाए और प्यार से गले लगाई ले। खिलाई के जबरदस्ती छुआरे का दूध पिया हुआ ताकि उरूट जाए और तू नजाकत से मनावा। पीला दूध पीला। अरे नहीं हमें दूध ना पिया। काहे ये दूध रवा के पिए के पड़ी। हम इतना सारा खाना खा ले बने कि अब भूख नहीं की अब दूध कैसे पिया। तू ऋषि आई गईला। हाँ। अच्छा तो हम देखत बानी तू कैसे ऋषि आई बा और हम कैसे मनावा तानी। Thank you.
देबै मनै के मोर हबै सुते न देबै जगै के मोर हबै रूठे न देबै मनै के मोर हबै सुते न देबै जगै के मोर हबै रूठे न देबै मनै के मोर हबै सुते न देबै जगै के मोर हबै लागि रे लागि रे लागि लागि रे लागि रे लागि लागि रे करे जो में आग ई अगिया
चांदनी, हम तोहरा के लेवे आइल बानी। आज दुनिया के कौनो ताकत हमके तोहरा से अलग नहीं कर सकेला। छोड़ा हमारा हाथ। ये तू का कर तारा? तोहरा के मालूम नहीं कि हम एगो शादीशुदा औरत बानी और कोनो शादीशुदा औरत के हाथ लगावल महापाप होला। ई का करत हो चांदनी? तू अच्छी तरह से जाने लो कि हम तोहरे बिना ना जी सके ने। हम तोहरे के जानी ला चांद कि तू हमरा के जी जान से चाहत होगा और सच्चा प्यार करे वाला अपन इज्जत बरकरार रखे खातिर अपन प्यार के कुर्बान कर देता हुए। का तू ये कुर्बानी दे सकेला? हमरा से हमार प्यार के कुर्बानी मांगी के बड़ा छोट कही दे लो। अरे हम तो तोहरे खातिर अपन जान भी दे सकेली। अच्छा अगर तू हमरा के सच्चो में इतना चाहेला तो अपन पुरान जिंदगी के सपना समझ के तू हमरा के भुलाई जा। काहे कि भारत के नारी का पति ही परमेश्वर होला। जौन तू चाहत बाड़ू वैसने हुई।